रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली हाउ टू कनेक्ट मूनबीम चेन टू मेटामास्क। ठीक है, तो मेटामास्क में मूनबीम चेन को कैसे कनेक्ट करते हैं तो वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, बहुत इजी है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। मेटामास्क ही नहीं, बहुत सारी चेन्स को आप इजी स्टेप से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं शुद्ध हिंदी में ढंग से, प्यार से, बहुत तरीके से बताऊंगा। प्लीज अच्छी तरह से समझ लेना, बहुत इजी सब्जेक्ट है ये। एक चेन की बात नहीं है, किसी भी चेन को, बहुत सारी चेन को मेटामास्क में आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं ये मेटामास्क ओपन करके। मैंने मेटामास्क क्लिक कर दिया है और ये ओपन हो गया। ठीक है, और यहां पासवर्ड डालेंगे। यहां अनलॉक करेंगे तो ये बेसिकली एप मोस्ट का खुला हुआ है। तो हमने ये लॉगिन कर लिया मेटामास्क के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां पे लिखना है चेन लिस्ट। गूगल में जाके chainlist.org देखना है, chainlist.org यहाँ पे हमने सर्च करना है। तो सर्च करेंगे, सबसे टॉप पे chainlist.org लिखा हुआ आ जाएगा। लोग बेसिकली यहाँ पे जो एड यूर नेटवर्क है यहाँ पे कर देते हैं, ये डेवलपर्स के लिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे टॉप पे जाके कनेक्ट वॉलेट करना है। सबसे पहले अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक किया, मेटामास्क ओपन हुआ। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबा देना है। ठीक है, कनेक्ट का बटन दबा देना है। कनेक्ट हो गया है हमारा मेटामास्क, यहाँ पे हमें मेटामास्क का एड्रेस दिखाई दे जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने मूनबीम चेन लिखनी है। जैसे हमने GLMR टोकन को, जैसे हमारे पास है मेटामास्क में रखने हैं या कुछ भी है, तो यहाँ मूनबीम लिखेंगे, मूनबीम। ठीक है, सर्च बॉक्स में तो ये आ गया मूनबीम। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एड टू मेटामास्क किया। तो यहाँ मैंने एड टू मेटामास्क किया, तो मूनबीम चेन को काफी टाइम, मतलब तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेटामास्क ओपन हो जाएगा और यहाँ पे स्विच नेटवर्क करना करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा बेसिकली। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये आपकी मूनबीम चेन यहाँ पे दिखने लग जाएगी। चलो मैं दिखा देता हूं आपको। थोड़ा ये ना खुलने में टाइम लगाता है मेटामास्क, बट कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। वैसे भी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा तो होगा नहीं। तो ये मूनबीम चेन खुल गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूनबीम चेन खुल गई है, तो इसका मतलब ये कि मूनबीम चेन यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। अब हमें समझ लो कि कोई और चेन, जैसे हमने सम पॉलीगोन चेन को कनेक्ट करना है। ठीक है, मतलब पॉलीगोन चेन इसके साथ ऐड हो जाए हमारे मेटामास्क के अंदर, वो क्या करना है, तो यहाँ फिर इसको डिलीट करके यहाँ पे लिखना है पॉलीगोन। ठीक है, पॉलीगोन आ गया मेन नेट, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड टू मेटामास्क, मतलब इस चेन को मेन नेट को ऐड कर दो अपने मेटामास्क के साथ। तो ऐड का पैक, ऐड टू मेटामास्क क्लिक किया, फिर ओपन हुआ, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा स्विच नेटवर्क, तो हमारा स्विच नेटवर्क हो गया। अब हम पॉलीगोन को जाके देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, बड़े प्यार से, बहुत प्यार, मतलब चेन लिस्ट है, बहुत प्यार से होता है। ठीक है, ये आ गया पॉलीगोन मिनट लिखा हुआ। ठीक है, अब हम, चलो ये भी छोड़ो, अब हम क्या करते हैं, फैंटम देखते हैं। ठीक है, कुछ और ब्लॉकचेन, कुछ भी नाम ले सकते हैं, फैंटम FTM लिखते हैं। ठीक है, FTM ओपेरा आ गया, तो एड टू मेटामास्क कर देते हैं इसको भी। तो क्या होगा, हमारी ये भी चेन ऐड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी चेन ऐड हो गई, तो हम इसको भी देख लेते हैं। कंफर्मेशन के लिए दिखा रहा हूं, मुझे तो सब पता है, आपको भी पता होना चाहिए, राइट? तो ये देख लो, ये FTM चेन कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब समझ लो हमें कोई और करनी है, FTM को भी हटा देते हैं। अब कौन सी करनी है, यहां से चुन लेते हैं, अभी काफी एवलेंचे है, तो यहां पे इसको भी एड टू मेटामास्क कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये अप्रूव करेंगे,
और यहां स्विच करेंगे तो एवलेंचे की सी चेन इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और अब इसके ऊपर और भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ऑप्टिमिज्म भी है, कावा भी है, आर्बिटम वन भी है, अरोड़ा मेननेट भी है, जिनोइस चेन है, मूनबीम तो ऑलरेडी हमने कर दिया, हुबी इको चेन, हुबी का कोई टोकन या हुबी टोकन भी आपने रखना है तो यहाँ पे आप इसको करके मेटामास में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलो मेननेट का जो सेलो टोकन है वो भी रख सकते हो, ठीक है। मून रिवर को भी ऐड कर लो, ठीक है ना, इसको भी आप रख सकते हो मून रिवर को। और एस्टर, एस्टर भी प्रोटोकॉल है तो पोलका डॉट के लिए काम करता है तो इसमें भी रख सकते हैं। हु स्मार्ट चेन, हु ब्लॉक, इसके हु जो चेन आईडी है, जो हु इनकी क्या है, एक्सचेंज भी है, ठीक है, इनका अपना ब्लॉकचेन भी है तो इसको भी आप रख सकते हो। और थेटा मेननेट, अगर थेटा टोकन है आपके पास तो यहाँ पे आप रख सकते हो। और बहुत सारी हैं जो जो ठीक ठाक लगे। अच्छा, एवमोस है, इसको भी कर सकते हो। कुछ भी चेन जो मार्केट में ऑलरेडी लोग जानते हैं जिसको, उसको ही करना, हर किसी को मत करना, बिकॉज यू नो कुछ स्कैम इसके अंदर अगर हो गए और आपका टोकन इसमें चला गया गलती से तो वापस नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा वीडियो था कुछ लोगों के लिए जो न्यू ईयर्स हैं, नए बंदे हैं उनके लिए, जो लोगों को ये नहीं पता कि किस तरह से मेटामास्क के अंदर डिफरेंट चेन को, ब्लॉकचेन्स के वॉलेट्स को ऐड ऑन किया जाता है, जिसके सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिफरेंट ब्लॉकचेन के टोकन आप मेटामास्क में रख सकते हो। और मेटामास्क की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जो वॉलेट है इसमें जो भी टोकन किसी भी चेन पे पड़ा रहेगा आपका, लेकिन वो जो चेन का जो टोकन का जो एड्रेस होगा वो एक ही होगा, वो होगा आपका जो पब्लिक वॉलेट है, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी भी तरह से। तो मेटामास्क एक बहुत बेहतरीन वॉलेट है, इसको इंस्टॉल करिए। जिसके पास ये नहीं है तो क्रिप्टो में समझ लो कि वो क्रिप्टो नहीं है और क्रिप्टो का बंदा नहीं है। तो एनीवे, कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड, चेन से रिलेटेड, तो प्लीज हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना और कुछ भी क्वेश्चन हो वहाँ पुट कर लेना। कुछ समझ में ना आई तो जरूर, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह से, आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, अच्छा लगेगा तो प्लीज। और अगर आप मेरे चैनल को पूरा देख रहे हो, ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबा देना, बहुत अच्छे अच्छे टोकन्स को रिव्यू करके हम लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।